नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है पीसीएस मंत्रा बाई डॉक्टर विवेक। आपके कमेंट से मुझे आपकी दुविधाओं का पता चल जाता है और एक दुविधा ये रहती है कि मैं सब कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, कई कॉन्सेप्ट को छोड़ देता हूँ, अब फैक्ट पर कभी कभी ज़्यादा जोर दे देता हूँ। देखिए, मेरे लिए भी कठिन है, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मेरे लिए कठिन है कि मैं केवल फैक्ट को लेके चलूँ आगे, परंतु तो मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि चैनल का मुख्य उद्देश्य पीसीएस चयन है। देखिए, मूल किताबें तो सेम ही रहती हैं, चाहे बीए एमए पीएचडी का कोर्स हो या प्रतियोगी परीक्षा हो, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में जहाँ तक यूपीएससी और उत्तर प्रदेश पीसीएस या अन्य राज्यों की परीक्षाओं का सवाल है, मामला एकदम बदल जाता है। नए अभ्यर्थी इस चीज़ को नहीं समझते हैं और वो समझते हैं कि कॉन्सेप्ट सारा आना ही चाहिए। ऐसा नहीं है, आपको सारे फैक्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट केवल सपोर्टिंग रोल में रहता है जहाँ तक राज्य परीक्षाओं का सवाल है, ठीक है। और इसके अलावा चैनल का ये भी उद्देश्य है कि जैसा वक्त रहे वैसे रणनीति। अभी हमारा काम 24 सितंबर के लिए है, अगर आपका प्री नहीं निकलेगा तो बाकी चीज़ों का क्या लाभ है, ठीक है। पहले प्री आपका पक्का मैं करना चाहता हूँ और दूसरा हमारा पर्पज यह है कि न्यूनतम मेहनत से अधिकतम लाभ मिल सके आपको। जो चीज़ें आप 4 घंटे में पढ़ते हैं उसको मैं 4 मिनट में 10 मिनट में पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर 4 घंटे में भी पढ़ाऊँ तो उसका लाभ क्या है। मेरी कोशिश है कि 15 अगस्त तक अर्थव्यवस्था और हिस्ट्री पूरा ख़त्म हो जाए आपका, और इसी कड़ी में अर्थव्यवस्था को मैंने रोक रखा हुआ है, ठीक है। हिस्ट्री को पहले ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन अर्थव्यवस्था में एक स्थापना वर्ष का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए, कोई भी राज्य परीक्षा हो उसमें जो वर्ष और डेट, जो तारीख है और जो सन है स्थापना का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते। इतना इंपॉर्टेंट कोई कोई हो जाता है कि इसको छोड़ देंगे तो सिलेक्शन प्रभावित हो जाता है। इसी बार देखिए, एमपीपीसीएस प्री में पूछा था कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी। अभी भी हिमाचल प्रदेश का पीसीएस का प्री हुआ, उसमें पूछ दिया था कि नोटा का सबसे पहले इस्तेमाल कब हुआ था भारतीय इलेक्शन में। तो हमेशा 1, 2, 3, 4 सवाल तो आ ही जाते हैं और खासकर उत्तर प्रदेश पीसीएस में ज़्यादा ही आ जाते हैं। अगर सन और डेट को सारों को आप जोड़ें तो ये सवालों की संख्या 2 अंकों में पहुंच जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको देख लेते हैं, इसको 2 भागों में कर दिया हूं। भाग एक में सारा आज़ादी से पहले से लेकर आज के डेट तक सारा कर दिया हूं। अब भाग दो में थोड़ा सा थीम बेस्ड और जो विश्व संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह, उनको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले 1950 से देखते हैं तो 1818 में प्रथम सूती मिल भारत के अंदर बनी थी कलकत्ता में, 1818 19वीं शताब्दी के शुरुआत में। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक, 1907 में टिस्को, उसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, अब इसका नाम बदलकर केवल हो गया है टाटा स्टील लिमिटेड, ठीक है, टाटा स्टील आयरन हट गया है नाम से। 1935 में अपना आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1948 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपने देश की, आज़ाद भारत की पहली औद्योगिक नीति, आज़ाद भारत की 1948 में और चीज़ें हुई जिसमें IFCI की स्थापना है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 1949 में पहली बार नोटबंदी हुई, नोटबंदी 3 बार हो चुकी है, 1949 में पहली बार हुई। अब देखते हैं 51 से 60 के दशक की घटना। तो 1952 में 6 अगस्त को स्थापना हुआ था NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये प्लानिंग कमीशन का एक पैरेलल संगठन था, ठीक है। 1952 में परिवार नियोजन शुरू हुआ बहुत जोर शोर से अपने देश के अंदर, और 1952 में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम, बहुत से कार्यक्रम 2 अक्टूबर को शुरू हुए हैं, आगे भी देखते रहेंगे उसको हम, ठीक है। 1952 2 अक्टूबर सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। 1953 में वायदा बाजार आयोग, 1955 में ICIC, ठीक है। 1955 में SBI, जो कि MPCS में पूछा था पिछली बार, और 1956 14 अगस्त को ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, आप जानते हैं कि ONGC ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम का अधिग्रहण करना है, ठीक है। और 1956 में ही एम्स की स्थापना और 1956 में ही LIC की स्थापना। तो 56 में 3 चीज़ें, ONGC, एम्स और LIC। 51 से 60 के दशक में और चीज़ें देखते हैं, 57 में हुआ था वेल्थ टैक्स, ठीक है, अब हट गया है, वेल्थ टैक्स खत्म हो गया है अब संपदा कर, ठीक है। 1957 में ही ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, निर्यात साख एवं गारंटी निगम कॉरपोरेशन, मतलब निगम, 57 में ही मुद्रा की दशमलव प्रणाली स्टार्ट हुई थी, और 58 में नाफेड का गठन हुआ था। 1960 में पूछ चुका है पीसीएस में, और भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में, GB पंत एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। टेक्नोलॉजी क्या होता है, साइंस का अप्लीकेशन ही टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी विज्ञान का अप्लीकेशन है, ठीक है, उसका यूज। और 1960-61 में कंपनी टैक्स,
या कॉर्पोरेशन टैक्स। देखिए 57 में वेल्थ टैक्स और 60-61 में 4 साल के बाद उसके कंपनी टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स को बोलते हैं निगम कर। अपने देश के करों में सबसे बड़ा इसी का पार्ट होता है निगम कर। 61 से 70 के दशक में तो 64 में 3 चीज़ों का गठन हुआ, UTI, IDBI बैंक और FCI। ठीक है, इनका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, इलेबोरेट नहीं करता हूँ मैं, बस कॉपी पेस्ट करना है गूगल में, सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेन मेन चीज़ आपको पकड़ा दे रहा हूँ मैं। 1964 में 1 जून 1964 में क्या हुआ कि नया पैसा अब पैसा के नाम से जाना जाने लगा। इसमें आपको ज़्यादा नहीं जानना है, बस इतना याद रखिए पूछता है एग्जाम में, नया पैसा को पैसा नाम से। 1965 में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, कृषि मूल्य आयोग, कृषि जो उपज है किसान की उसका उचित मूल्य क्या हो इसका निर्धारण करने के लिए कृषि मूल्य आयोग का स्थापना हुआ 1965 में, आज से 50 साल से भी पुराना। ठीक है, 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन भारत के अंदर, ठीक है, इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुका हूँ, डिटेल में समझेंगे हम, अभी केवल डेट देख रहे हैं। ठीक है, 1966 से 1969 के बीच में प्लानिंग का गैप रहा, इसको मैंने मेंशन किया था जब प्लानिंग कमीशन को पढ़ा रहा था, वो लेक्चर देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आए तो। 1969 में क्या हुआ कि लीड बैंक स्कीम स्टार्ट हुआ, अग्रणी बैंक स्कीम किसके द्वारा, RBI के द्वारा 1969। अब बढ़ते हैं 71 से 80 के दशक में, तो 71 में क्या हुआ, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट स्कीम, जो छोटे किसान हैं अपने देश में अधिकांश छोटे और सीमांत किसान ही हैं, छोटे किसानों को डेवलपमेंट स्कीम का शुरुआत हुआ अपने देश के अंदर। 75 में RRB, 75 में सिक्किम का भी भारत में विलय हुआ था एक तरह से, और 75 में ही RRB का स्थापना हुआ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। और 75 में ही क्या हुआ, मधुआ मजदूर उनके उन्मूलन का अधिनियम लाया गया देश के अंदर। 1975 में और घटना हुई, क्या हुई, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का शुरुआत हुआ। और 1977-78 में काम के बदले अनाज, एक कार्यक्रम देश में समय समय पर चलते रहते हैं, मनमोहन सिंह की सरकार में भी चला था और भी सरकारों में चलता रहता है, जहाँ जरूरत पड़ता है लोगों को उनसे काम लेकर उनको कुछ अनाज दे दिया जाता है। ठीक है, फ्री में तो दिया नहीं जाएगा, फ्री का वो जो तरीका है वो ठीक नहीं है, तो काम कुछ करवा कर उनको अनाज दे दिया जाता है जो गरीब लोग हैं। और 78-79 में रोलिंग प्लान, या इसको बोलते हैं अनवरत प्लान, प्लानिंग कमीशन का जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें 78-79 में एक रोलिंग प्लान का बात आता है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सीधे पूछ देगा सन 78 से 79 रोलिंग प्लान। और 78 से 79 में ही अंत्योदय योजना लागू हुई थी, अंत जो समाज के सबसे अंत में है, सबसे निचले तबके के लोग हैं उनका उदय, अंत्योदय। ठीक है, और 1979 में क्या होता है, रोजगार गारंटी की शुरुआत हो देश में, महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले शुरू हुआ था 1979। और 1979 में ही क्या हुआ था, ट्राइसेम का गठन हुआ था। ट्राइसेम क्या है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के लिए जो ग्रामीण युवक हैं, नवयुवक हैं, उनकी ट्रेनिंग। ठीक है, तो स्वरोजगार के कार्यक्रम बहुत लंबे समय से चल रही है, 1979 में स्टार्ट हुआ था ये चीज़। और 1980 में आपसी में कब, 15 अप्रैल को क्या हुआ, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। देखिए, बैंक का राष्ट्रीयकरण 2 बार किया गया है, एक तो 1969 में, ठीक है, और एक 1980 में। 69 में क्या किया गया था, तो 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था और 80 में 6 बैंकों को। तो इस समय कुल, अगर RBI की वेबसाइट देखें अब, तो बताता है कि कुल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं देश के अंदर, हैं। तो सीधे आपसे डेटा पूछ देगा तो 19 पर टिक लगा देना आप। अब देखते हैं 81 से 90 के बीच में, तो 2 अक्टूबर तक आया, देखिए 2 अक्टूबर फिर से आ गया, 2 अक्टूबर 1982 क्या हुआ था, IRDP का गठन हुआ था। IRDP क्या है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था देश के अंदर, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्राम के विकास के लिए तमाम कार्यक्रम चले, कार्यक्रम तो बहुत चले, उसका रिजल्ट नहीं मिल पाया। राजीव गांधी के शब्दों में, 1 रुपया में से केवल 10 पैसा ही पहुँचता है, ठीक है, नीचे, बाकी 90 पैसा गायब हो जाता है। तो भ्रष्टाचार लंबे समय से समस्या रही है, अब चूंकि कॉन्सिस्टेंट हो गया है फीचर देश का भ्रष्टाचार, तो उसकी बात ही करना बेकार हो गई है, लेकिन यह है कि जड़ में रच बस गए हैं भ्रष्टाचार हमारे, और लंबे समय से, आज से नहीं, आज़ादी के समय से ही तमाम जो कार्यक्रम हैं, खासकर ग्रामीण कार्यक्रम, जो निचले तबके तक जो पहुंचना चाहिए लाभ, वो नहीं पहुँच पाया, लेकिन कार्यक्रम तो बहुत बने, तो कार्यक्रम बहुत ढेर सारे सामने आएंगे आपके, डेट देखते रहेंगे अब तो। तो 1982 2 अक्टूबर IRDP। और 1982 में ही जुलाई में, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, ठीक है, ये नाबार्ड का कई बार पूछा है कब स्थापना हुआ था 1982 में, जो अति इंपॉर्टेंट है उनका आपको महीना भी याद रखना है, जो एकदम रिसेंट है 2017 में कई तरह के लॉन्च, कई तरह के कार्यक्रम 2016-17 में, उनके तो डेट भी याद रखने हैं, किस तारीख को, किस महीने को, किस साल, ठीक है, जो कम, बहुत कम इंपॉर्टेंट है केवल उनका सन, जो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पुराने वाले, उनका सन के साथ महीना भी,
तो नाबार्डवे महीना आप याद रखिए जुलाई 1982 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनल बैंक है किस चीज के लिए, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय बैंक है, सरकारी बैंक नाबार्ड, तमाम लोगों को पैसा देता है समय समय पर। और 1982 में क्या हुआ था, DWCRA हुआ था, क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में जो माताएं हैं और बच्चे हैं उनके विकास के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए इसका इस कार्यक्रम को शुरुआत की गई थी। 1982 में ही सबसे पहले EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का शुरुआत हुआ था देश के अंदर। और 1982 में ही एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम एक तरह से शॉर्ट फॉर्म है, एक तरह से EX मतलब एक्सपोर्ट और IM जो इसमें लिखा है उसका मतलब इम्पोर्ट है। तो 82 में तमाम चीज़ें, ठीक है, IRDP, नाबार्ड, ड्वाक्रा, EVM और एग्जिम बैंक। और 83 में क्या होता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, नेशनल स्तर पर जो देश के लोगों का स्वास्थ्य है उसके लिए एक नीति पॉलिसी बनाई गई देश के अंदर। 1985 में फसल बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस। 1986 में मॉडिफाइड वैट, वैट जानते हैं आप, वैल्यू टैक्स और मॉडिफाइड वैट। 1986 में 1990 में क्या हुआ, सिडबी की स्थापना। सिडबी क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देश के अंदर जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनके विकास के लिए एक बैंक है। और सिडबी क्या है, IDBI का ही एक सब्सिडियरी है, IDBI बैंक का ही एक छोटा सा भाग है। 1990 सिडबी। अब देखते हैं कि 91 से 2000 के दशक बीच में क्या हुआ, तो 91 में 24 जुलाई को देश के अंदर नई औद्योगिक नीति, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आई सरकार। और 1991 में सार्वजनिक उद्यमों में निवेश शुरू हुआ, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर की चीज़ें हैं उसमें से डिस इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ, सरकार ने शुरू किया, जो आज मोदी सरकार में जोर शोर से चल रहा है, ठीक है। तमाम चीज़ों को सरकार अपना हिस्सेदारी इसमें छोड़कर पैसे कमा रही है, उससे आगे काम करेगी। 1992 में राष्ट्रीय नवीनकरण कोष या निधि की स्थापना हुई, राष्ट्रीय नवीनकरण कोष। और 1992 में ही क्या हुआ, राष्ट्रीय शेयर बाजार, ठीक है, राष्ट्रीय शेयर बाजार। और 94 में सर्विस टैक्स लागू हुआ देश में सबसे पहले, सर्विस टैक्स 1994 में। और 1995 में NSAP, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, नेशनल सोशल सहायता असिस्टेंस प्रोग्राम, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। 1995 में क्या हुआ, 15 अगस्त का दिन मिड डे मील शुरू हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1995 में मिड डे मील, ठीक है। मिड डे कैसे आप रखेंगे, देखिए हर जगह कोड बना सकते हैं आप, मिड डे, मिड मतलब कि मध्यान्ह, दिन के बीच में, और पाँच क्या है, बीच में आता है, एक से दस के बीच बीच में पाँच आ जाता है, ठीक है। 15 अगस्त में फिर पाँच आ गया, देखिए पाँच आ गया ना, ये भी मिड हो गया। अगस्त का महीना भी सरकार एक तरह से साल के बीच में ही आ जाता है, तो नंबर का ऐसा ही खेल ही होता है। नंबर को ध्यान से देखेंगे आप ना, तो कोई ना कोई आपको कहानी इसमें से आप जोड़ने में सक्षम हो जाएंगे। तो मिड डे मील 95 कई बार पूछ चुका है, तमाम एग्जाम में पूछ चुका है। अब इसी दशक में और घटनाएं देखते हैं, तो 95-96 में क्या हुआ था, गोकुल ग्राम सबसे पहले कार्यक्रम चला था गुजरात में, गोकुल ग्राम। और इसी 95-96 में RIDF, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोर्स, ठीक है, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोर्स। 1997 में ट्राई जानते हैं आप, टेलीकॉम के लिए। और 99 में नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, राष्ट्रीय जो कृषि बीमा का शुरुआत हुआ 1999 में, ठीक है। और 99 में ही क्या हुआ, 99 में काफ़ी चीज़ें शुरू हुई, इसमें क्या हुआ, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, या इसी को बोलते हैं स्वर्ण जयंती स्वरोजगार, ग्राम हटा देते हैं शब्द लेकिन पूरा नाम यह है, 99 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, अपने से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और 99 में ही क्या हुआ कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना शुरू करके इसी के अंदर ट्राइसिम को इसमें मिला दिया गया, ट्राइसिम का अस्तित्व खत्म हो गया, इसी में मर्ज कर दिया गया, ठीक है, 99 में। और 99 में क्या हुआ कि अगर दुनिया की बात करें तो यूरो नामक करेंसी सबसे पहले अस्तित्व में आई थी 99। एक होता है पाउंड, ठीक है, पाउंड होता है, एक होता है यूरो, यूरो पूरा यूरोपियन देशों के लिए है, सबके लिए। 2000 साल में क्या हुआ कि BSNL और IRDA की स्थापना हुई देश के अंदर, BSNL और IRDA दोनों चीज़ों का 2000 में। अब देखते हैं कि 2001 से 2017 के बीच में क्या हुआ, तो 2003 में CCI, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI 2003 में। और 2003 में 15 अगस्त के दिन अब्दुल कलाम साहब के जो विजन था प्यूरा, उसका लागू किया गया, सरकार ने लागू किया 15 अगस्त 2003 को, ठीक है, अपने स्वतंत्रता दिवस के दिन पर।
और 2005 12 अप्रैल को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य का पहले भी बात हुआ था, अब ग्रामीण स्वास्थ्य राष्ट्रीय लेवल पर, ठीक है। और 2005 में भारत निर्माण योजना, ठीक है, भारत निर्माण योजना ध्यान रखिएगा पूछा है 2005 से 2006 के बीच में, 7 और 8 जो वित्तीय वर्ष है, ऐसा अगर डैश लगा के लिखा रहे ना 2005 और डैश 2006, इसका मतलब वित्तीय वर्ष होता है, पूरे एक साल के लिए वो चीज़ योजना शुरू की गई है, केवल सन लिखा रहा है, मतलब कि उसमें लॉन्च हुआ कब खत्म हुआ उसकी उसमें मेंशन नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन इस तरह से इसका मतलब वित्तीय वर्ष होता है। 2007-2008 के बीच में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, खाद्य सुरक्षा मिशन राष्ट्रीय स्तर पर, तमाम चीज़ें राष्ट्रीय स्तर पर। 2007 में देखिए फिर 2 अक्टूबर आ गया, 2 अक्टूबर क्या हुआ, 2007 में आम आदमी बीमा योजना, इसी में आगे देखते हैं 2008 में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, जो कि असंगठित क्षेत्र के हैं, जो नॉन एस्टैब्लिश्ड क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, लेबर्स हैं, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया 2008 में। 2004 में क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया डेट यहाँ पर, 2004 में क्या हुआ, FRBMA एक्ट, 2003 एक्ट 2003 में शुरू मतलब बना था, लेकिन प्रभावी हुआ कब, 2004 में। तमाम चीज़ें ऐसे होती हैं, बन जाती है पहले, प्रभावी बाद में होती हैं, उसको ध्यान दीजिएगा एग्जाम में क्या पूछ रहा है। और 2005 में 1 अप्रैल 2005 से मतलब कि नए वित्तीय वर्ष से वैट लागू हुआ देश में, तो आज से 12 साल पहले वैट लागू हुआ था देश में, ठीक है। और 2011 और अभी जो बेस ईयर है ना, अभी जो बेस ईयर है, जो नया बेस ईयर हो गया है WPI, CPI और IIP का, वो 2010-11 हो गया है। तो ये डायरेक्टली उस तरह से नहीं कोई यहाँ पर अरेंज्ड है, लेकिन एक आपको समझने के लिए बीच में डाल दिया हूँ कि इन तीनों का जो नया बेस वर्ष है, आधार वर्ष है, 2010 से 2011 के बीच में हो गया है। 2011 में राजीव आवास योजना शुरू हुई थी देश के अंदर, और 2013 में नोटा, पूछा बताया था ना कि हिमाचल प्रदेश पीसीएस में पूछ दिया था कि नोटा सबसे पहले उसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहाँ कब हुआ था। तो दोस्तों, लोक सेवा आयोग की तमाम परीक्षाओं में और अन्य परीक्षाओं में जो तमाम संगठनों का स्थापना वर्ष पूछता है, देश के अंदर कार्यक्रमों का लॉन्च ईयर पूछता है, उसके बारे में ये रहा भाग एक। इसका भाग दो बचा हुआ है, तब तक इसमें आप सवाल लगाएं, जो कुछ कहीं गलती आपको दिखे उसको कमेंट में बताइएगा, हालांकि मैंने डबल चेक किया है, गलती नहीं होनी चाहिए, फिर भी कुछ हुए थे बताइए, और कुछ इंपॉर्टेंट अगर साल पूछ छूटे हैं उसको भी बताइए, उसको इंक्लूड कर देंगे बाद में। और मिलते हैं सर अगले लेक्चर में, लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अब देखिए हम लोग अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर जल्दी जल्दी आप नहीं देखें तो पिछड़ेंगे, क्योंकि अब जल्दी जल्दी मैं भी और जल्दी पढ़ाऊंगा, एक दिन में कम से कम 2 लेक्चर का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, ताकि 15 सितंबर तक सारा कुछ ख़त्म हो सके। तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।